जैसे कि आप हमारे वीडियो में आए हैं और जैसे आपने थंबनेल देखा कि बिल्कुल सही थंबनेल देखा कि अगर बिना सॉफ्टवेयर के आपको टेक्स फाइल यानी कोई जेपीजी फाइल है आपके और उस जेपीजी फाइल के अंदर बहुत सारा टेक्स लिखा हुआ है और आपको उसको टेक्स फाइल में कन्वर्ट करना है, एमएस वर्ड की फाइल में लेके आना है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हैं। आज हम यही बताने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में कि कैसे आप टेक्स फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी जेपीजी फाइल में जो भी लिखा हुआ। काफी बार ऐसा होता है कि आप इंटरनेट में बहुत सारे नोट्स या कुछ भी कंटेंट सर्च करते हैं और उस वेबसाइट में जो टेक्स्ट होता है वो बिल्कुल ब्लॉक होता है, आप इवन उसको सिलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं और कॉपी भी नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप कैसे इजिली उसको इमेज में कन्वर्ट करके कैसे आप टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करेंगे और एमएस वर्ड में उसको मॉडिफाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो चलिए आपका वेलकम करते हैं नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में और आज हम बताते हैं कि कैसे जेपीजी फाइल्स को आप कन्वर्ट कर पाएंगे अपने टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर, टेक्स्ट फाइल में, और जिसको एमएस वर्ड में आप मॉडिफाई कर पाएंगे। तो उसके लिए आप जैसे सपोज करके टेक्स्ट फाइल किस तरह से हो सकती है, जैसे आप कोई अपने गूगल में अगर कुछ सर्च करते हैं और इस तरह से कुछ आपको देखिए टेक्स्ट मिलता है और इस टेक्स्ट को आप देखिए सिलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। मैं अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूँ इसको तो सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहा उसको, और इस कंडीशन में हम कैसे इस डॉक्यूमेंट्स को, इस टेक्स्ट को हम अपने एमएस वर्ड के अंदर लेके आए और उसको मॉडिफाई कर पाए और उसमें कुछ इम्प्लीमेंट कर पाए, अपने नोट्स बना पाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इसको हम जो है कैप्चर करेंगे। इस स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए आप यहाँ पर स्टार्ट बटन में आप टाइप करेंगे स्नैपिंग टूल। तो जैसे ही आप स्नैपिंग टूल टाइप करेंगे स्नैपिंग, तो आपके सामने एक स्नैपिंग टूल खुलेगा। तो आप स्नैपिंग टूल के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको आप कैप्चर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर को देखिए, मैं देखिए कैप्चर कर लिया मैंने इसको बड़ी आसानी से और इसको हम सेव कर देते हैं। इसको मैं डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ, टेक्स्ट इमेज जेपीजी फाइल के नाम से सेव कर देता हूँ उसको मैं। तो देखिए मैंने इसको सेव कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आप इसको मिनिमाइज कर दें और आपकी जो भी फाइल आपने, जैसे मैंने ये फाइल की है, देखो इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ये वाली फाइल नहीं है वो जो मैंने की थी, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए ये है वो फाइल जो जो फोटोग्राफ यानी जेपीजी फाइल्स है। अब मैं आपकी प्रॉपर्टी आपको चेक करा देता हूँ, आप इसके प्रॉपर्टी का चेक करेंगे तो देखिए ये जेपीजी फॉर्मेट में है, जेपीजी इमेज है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। आप सबसे पहले इस इमेज को, इस जो आपका टेक्स्ट है जेपीजी फाइल्स है, इसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको सिंपली स्टार्ट बटन में क्लिक करना है और स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स के अंदर क्लिक करना है। ऑल प्रोग्राम्स में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले फोल्डर्स में आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करेंगे तो इसके बहुत सारे मेंबर्स आपको एप्लीकेशन दिखाई देंगे। इसमें एक आपको दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वन नोट दिख रहा है, तो आप जो वन नोट वाले में आपको क्लिक करना है। जैसे आप वन नोट में क्लिक करेंगे तो आपकी देखिए बिल्कुल फ्रेश फाइल आ गई है। अगर नई फ्रेश फाइल आती है तो आप न्यू में जाके पेज में भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे इस तरह का आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह का दिखने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं थोड़ा सा, तो इस तरह के आप ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, क्लिप कॉपी पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन इनटू वन नोट एज ए इमेज, इस वाले में आपको जस्ट क्लिक करना है। ठीक है, तो जब जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपकी वो इमेज जो ओपन थी ये ओपन होनी चाहिए, रहनी चाहिए आपकी, तो ये ओपन जो है हमारी खुल गई है। अब आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको टेक्स्ट है हमारा, उस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए जैसे हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं हमारा ये टेक्स्ट पूरा यहाँ पर वन नोट में आ गया है। अब आप इसको जस्ट क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट ऑल करें, आप सिलेक्ट ऑल करने के बाद इसको राइट क्लिक करके आप, या फिर आप राइट क्लिक करें, सिंपली सिंपली राइट क्लिक करने के बाद कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर में क्लिक करें, जैसे ये क्लिक कर लिया मैंने, और इसको मिनिमाइज कर दें।
इसको मिनिमाइज करने के बाद आप यहां पर एमएस वर्ड, जैसे नॉर्मली आप एमएस वर्ड खोलते हैं, आप एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिए। देखिए एमएस वर्ड मैंने ओपन कर लिया, अब यहां पर राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर दीजिए। तो देख सकते हैं आप जो आपका जो इमेज फाइल के अंदर जेपीजी फाइल में जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट यहाँ पर सिंपली आ गया है। आप इसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन इजिली कर सकते हैं, जैसे मैं आप इसमें मॉडिफाई कर पा रहा हूँ, देखिए तो इसको मैं इजिली मॉडिफाई और इसमें कुछ भी अगर टाइप करना चाहूँ बीच में तो टाइप कर पा रहा हूँ, देख सकते हो टाइप कर सकता हूँ। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया और इसको आप इस तरह से इजिली बड़े आसानी से टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा कि कैसे टेक्स्ट इमेज जेपीजी फाइल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले जब भी हम इस तरह के टेक्निकल एंड टिप एंड ट्रिक्स एंड कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे और ट्यूटोरियल अपलोड करेंगे, बहुत सारे हम कोर्सेज के भी जैसे डीसी कोर्सेज, पीजीडीसी कोर्सेज के भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।